तो देखो कल मैं खेल रहा था पबजी के अंदर टीडीएम मैच। मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अचानक से मुझे पता चला कि पबजी हो गया बैन, तो उसके डर से कल मैं बहुत ही ज़्यादा मैच खेला हूँ। सीरियसली मैं बहुत ही कल मैच खेला हूँ, क्योंकि कल हो ना हो और क्या। तो देखो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है पबजी मोबाइल, पबजी लाइट इंक्लूडिंग 118 एप्लीकेशन। जी हाँ, 118 एप्लीकेशन के अंदर पबजी मोबाइल और पबजी लाइट पे अवेलेबल है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो पबजी प्लेयर्स के लिए बहुत ही बुरी बात है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब कुछ फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। पहले भी पबजी के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आता था, पेरेंट्स लोग कंप्लेन करते थे कि उनका हार्ड अर्न मनी, उनके पैसे बर्बाद कर देते हैं, उनके बच्चे पबजी में लुटा देते हैं, और बहुत लोग तो सुसाइड भी कर लिए पबजी के लिए, जो बहुत ही बुरी बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पबजी को बैन किया है सेक्शन 69A के तहत, और बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम इस पे लगाया है कि अपना डाटा भी जाता था चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना से भी कनेक्शन था, टेंसेंट कंपनी चाइना से कनेक्शन है, और बहुत सारा इल्ज़ाम लगा कि इसे बैन कर दिया गया है। जो मैं कुछ भी इस पे बोल नहीं सकता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो फैसला लेगा वो सही लेगा, अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो अपने को भी तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है। मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, ना ना बेटा। तो देखो बहुत मुझे कल कमेंट आया कि पबजी को क्या हम लोग वीपीएन लगा के खेल सकते हैं, क्योंकि पबजी में हम लोग वीपीएन यूज़ करते हैं बहुत ही स्किन को लेने के लिए। बहुत सारा ट्रिक्स और टिप्स लगा के हम लोग वीपीएन से बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अलग अलग सर्वर में जाके। तो पबजी को क्या हम लोग वीपीएन से खेल सकते हैं, या पबजी के अल्टरनेटिव कितने सारे एप्लीकेशन इंडिया में अवेलेबल है जिसकी मदद से हम लोग अपना स्ट्रीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग में भी बहुत ही लोगों को लॉस होगा, क्योंकि बहुत लोग पबजी को स्ट्रीम कर देते हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोगों का ये सवाल था कि पबजी बैन कर दिया गया है लेकिन फिर भी प्ले स्टोर में क्या से कब तक चलेगा और कब तक हम लोग प्ले कर पाएंगे, वो सभी चीज़ों का जवाब आज हम लोग देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलो फिर शुरू करें। तो देखो सबसे पहला सवाल, पबजी कब तक प्ले स्टोर में रहेगा और कब तक हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, कब तक प्ले कर पाएंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, जैसा कि आपको पता होगा टिकटॉक इससे पहले बैन हुआ था, तो टिकटॉक भी बहुत ही दिनों तक प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल था, लेकिन आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डाउनलोड आप चेक करते थे कि प्ले स्टोर में जाकर सर्च करोगे तो टिकटॉक मिल जाता था, लेकिन पबजी भी वैसे ही काम कर रहा है कि अभी मिल रहा है। तो पबजी भी 2-3 दिन तक रहने वाला है, जब तक इंडियन गवर्नमेंट प्ले स्टोर को एक ऑफिशियल लेटर ना दे दे कि इस एप्लीकेशन को हम लोगों ने बैन कर दिया, 118 एप्लीकेशन को, तो प्ले स्टोर तुरंत एक्शन लेगा और रिमूव कर देगा। वैसे ही सेम काम होने वाला है टेलीकॉम कंपनी के साथ में। तो पबजी भी काम करता है, एक सर्वर बेस्ड गेम है, एक जगह सर्वर लगा हुआ, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, प्ले करते हैं, उस सभी गेम को एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर टेलीकॉम कंपनी उस सर्वर को बैन कर देता है तो वो गेम हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, चाहे आप वीपीएन यूज़ कर लो या कुछ भी यूज़ करो। तो दूसरा सवाल का जवाब भी हो गया कि पबजी को हम लोग वीपीएन लगा के प्ले कर सकते हैं, तो माय फ्रेंड्स हम लोग प्ले नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बुरी खबर है। पबजी को हम लोग वीपीएन लगा के प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका आईपी, उसका सर्वर बैन कर दिया जाता है इंडिया में, तो हम लोग वीपीएन लगा के भी प्ले नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। तो दूसरे सवाल का भी जवाब पूरा हो गया कि पबजी को क्या हम लोग वीपीएन के साथ प्ले कर सकते हैं, तो पबजी को हम लोग वीपीएन के साथ प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनी उसका सर्वर ही ब्लॉक कर दे, एशिया का सर्वर ब्लॉक कर दे, तो हम लोग पबजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक ऑनलाइन गेमिंग का एक सर्वर फिक्स होता है जहाँ से हम लोग गेम को एक्सेस करते हैं, प्ले करते हैं। तो अगर वो सर्वर बैन कर दिया जाता है तो हम लोग गेम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कितना भी वीपीएन लगा लो गेम काम नहीं करेगा। सेम काम टिकटॉक में भी होता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि वीपीएन लगा कि टिकटॉक काम करेगा, लेकिन काम नहीं करता यार, क्योंकि उसका सर्वर ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, तो अब वो काम नहीं करेगा, अब कितना भी वीपीएन लगाओ। तो बात करते हैं अल्टरनेटिव गेम्स के बारे में कि पबजी के जैसा कितने सारे गेम्स अवेलेबल है। तो आपको पता होगा COD, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी अवेलेबल है, जो पबजी के जैसा ही गेम है, आप उसे स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और उसे भी टाइम पास के लिए प्ले कर सकते हो। नहीं तो आप खेल सकते हो फ्री फायर, तो फ्री फायर पबजी का लाइटर वर्जन, छोटा भाई इसे आप बोल सकते हो, और उसे भी आप प्ले कर सकते हो, इवन स्ट्रीम कर सकते हो। बहुत लोग स्ट्रीमिंग करते भी हैं और मिलियंस में व्यूज आता है, मिलियंस में उनका फॉलोवर्स है, आप जाके चेकआउट करो। तो कॉल ऑफ ड्यूटी को आप स्ट्रीम कर सकते हो, नहीं तो फ्री फायर को स्ट्रीम कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखो भाई, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि भाई पबजी को बैन किया गया तो COD को क्यों छोड़ दिया गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को। तो ये आपको पता होगा कि COD बना है 2 कंपनी के साथ में, एक है टेंसेंट मोबाइल जो चाइनीज बेस्ड कंपनी है, और सेकेंड है एक्टिविजन जो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। इसलिए फिलहाल अभी तो बैन
नहीं हुआ है। पबजी पूरा बना है टेंसेंट के साथ में, इसलिए उसे बैन किया गया। पूरा चाइनीज से कनेक्शन किया हुआ है, चाइनीज बेस्ड कंपनी से कनेक्शन है, इसलिए उसे बैन किया गया। लेकिन सीओडी एक्टिविजन के साथ में बना हुआ है जो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। फ्यूचर पता नहीं किसी को, हो सकता है वो भी बैन हो जाए। अभी फिलहाल आप प्ले कर सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, फ्यूचर कोई नहीं देखा है। और बात करते हैं फ्री फायर के ऊपर, तो ये एक सिंगापुर बेस्ड गेम है, तो आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है जो आप प्ले भी कर सकते हो और स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो फिलहाल आप PUBG मोबाइल का मजा उठा सकते हो, लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद PUBG मोबाइल टोटली बैन हो जाए इंडिया के अंदर, काम भी करना बंद हो जाए और प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिया जाए। क्योंकि फिलहाल अभी तो करेंटली ये वीडियो के शूट करने के दौरान PUBG काम कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी चेक करके आपको बताया। तो कुछ इस तरह का निकल के आया फाइनल रीजन PUBG क्यों बैन हुआ, PUBG को आप प्ले कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कितने सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियो था आपको देख के। अगर अच्छा लगा, मेरा हार्डवर्क पसंद आया, तो इस वीडियो को एक लाइक देना, और ऐसे कमाल की वीडियोस रोजाना देखना चाहते हो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टन से क्लिक कर देना, ताकि ऐसे कमाल की वीडियोस का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी सवाल या सुझाव हो ना तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।